जैसे भी अब आज्ञा मैंने मेरी बात मांगी, सतमा में तैयारी करी तो हाथों से कोहरा छूट कर गिर गया, आंखों के सामने अंधेरा देर बेचैन हाथ में ढीले। और ये कहने लगा सतमान की सावित्री मेरे प्राण काट को ले जाना चाहे से, पर मेरी काया के में बढ़क लाग रही, मैंने चक्कर सावे से, मन ऐसा दिल मन ऐसा महसूस हो गए कि आज शायद मेरे प्राण निकलने वाले हैं। कि महाराज कैसे कि सावित्री जी निकले से मेरा, और सावित्री कहने लगी कि लेट जा पिया जी सिर दवा दू हो तेरा। इतना कहकर के शत्रुवान मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। नियम के दूत प्राण लेने के लिए आए, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सावित्री की गोदी में से शत्रुवान का प्राण ले लिया। जैसे प्राण लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया, सावित्री के मुंह से अग्नि बरसने लगी। वापस चले गए धर्मराज के पास, धर्मराज को बताया, धर्मराज सुन के कहानी दौड़े चले आए। बियाबान जंगल में सती सावित्री को हाथ जोड़ के नमन किया, सत्यवान के प्राण लिए लेके प्राण चले। तो क्या कहने लगी सावित्री, क्या कहते धर्मराज सुन। पांच मिनट की बात और पांच आ रही हो, क्यों रो रही हो? ये रोना धोना बंद करो, अपने घर पे जाओ। कैसे चली जाऊं महाराज? और आप ये क्या पूछ रहे हो कि मैं आपके पीछे क्यों आ रही हूँ? हाँ, क्यों आ रही हो? तो आप मेरे पीछे आने का कारण अच्छी तरह जानते हो महाराज। क्या कारण है? आज आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हो और फिर भी मुझसे पूछते हो कि मैं आपके पीछे क्यों आ रही हूँ। नाशवान संसार में जिसकी जितनी आयु है उसे उतने दिन जीना है, चाहे किसी की एक दिन की है, चाहे किसी की एक घंटे की है, और चाहे किसी की 100 साल की है, और चाहे किसी की 150 साल की है। उम्र घटाई बढ़ाई नहीं जाती। तेरे पति की आयु पूरी हो गई, इसके प्राण मैंने ले लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर तुझे समझा रहा हूं तो वापस जाओ। नहीं महाराज, मैं जब तक नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दोगे। तो मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं मिलेंगे। क्यों महाराज? नहीं मिलेंगे क्योंकि इनकी आयु पूरी हो गई। हे महाराज, अगर आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दे सकते तो आपको मेरी एक बात सुनते हुए जाना होगा। क्या? मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनिए महाराज। और सुनिए मेरी बात। सुनो। हो मेरी आराज सुनो या मेरा जिसकी आयु जितने दिन होती है उतने दिनों से जीना होता है। जितनी थी वो तेरे साथ जी ली,
कुछ अपने माता पिताओं की सेवा कर ली, अब आगे मुमकिन है जिंदगी का सफर तय करना। ऐसा मत कहिए महाराज, कहिए ये कुदरत के नेम है बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी छाया थी, मैं बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी छाया थी, मैं बेटी बिना पति के दुखियारी की हो, कभी नहीं मैं डालूंगा, और चीज कुछ भी मेरे मैं ना बचना डालूंगा, और चीज कुछ भी मेरे मैं ना बचना डालूंगा, झोली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचने भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचने भर दो, हो मैं फिर श्रोता है, आदरणीय बड़े भाई संजय शर्मा जी, बेवानी हरियाणा, जो
200 रुपए पहले या 100 रुपए और देकर के पार्टी का सम्मान करते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद करूंगा। सावित्री जी महाराज, तुम्हारे सास ससुर अंधे हैं? जी महाराज। तुम्हारे सास ससुर की जिंदगी का सहारा और तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था, जिसकी आयु पूरी हो गई, जी। जिनके प्राण मैंने ले लिए। मैं इनके प्राण तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुमने जीवन में बड़ा तप त्याग किया है, बड़ा परिश्रम किया है। तुम्हें सब कुछ मालूम होने के बाद भी तुमने सत्यवान से ब्याह किया। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से बड़ा अति प्रसन्न हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, कुछ भी मांगो, लेकिन मैं सत्यवान के प्राण तुम्हें नहीं लौटा सकता। हे महाराज, हाँ। आप कहते हो कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर आपसे जो मांगोगी आप मुझे वही दोगे? जो मांगोगी मैं वही दूंगा, लेकिन जो मांगेगी वही दूंगा। तो मैं तीन वचन भरवाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं महाराज, मैं अपने पति के प्राण आपसे नहीं मांगूंगी, लेकिन आपको तीन वचन भरने होंगे महाराज। तीन वचन भी भर लूंगा, लेकिन एक डर है मुझे। कौन सा डर? तीन वचन भरवा करके कुछ भी मांगना, लेकिन एक चीज मत मांगना। कौन सी चीज महाराज? सर कौन सी कहिए? तीसरी खुशी
कि तेरे साथ ससुर का नाम रोशन हो और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, बड़ा होकर के राजतिलक हो, राजा बने, प्रजा की सेवा करे, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। तो लो अपने तीन वचन और सुनो परिवार। जो छलते लिया मंत्री ने, धोखे ते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ महाराज। और तेरी कोख पे, तेरी कोख पे पैदा होगा जात को बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे, तेरे सास ससुर का राजपाट वापस मिल जाएगा और जाओ धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। ये तीन खुशियां तुमने मांगी, मैंने राजी राजी खुश होकर के तुम्हें तीनों खुशियां दी। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाते हो महाराज? अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते। सावित्री मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ। मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि आपने मेरे दो वचन तो पूरे किए महाराज। तीसरे में कमी कौन सी रही? लेकिन आपने मेरा तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया? नहीं किया तो हो जाएगा, मैंने वरदान तो दे दिया कि तूने कहा था कि मेरी कोख से बेटा पैदा होना चाहिए, मैंने कह दिया जाओ तुम्हारी कोख से छोटा बेटा पैदा हो जाएगा। लेकिन महाराज मेरे गौर से नहीं सुना, क्या कहा आपने? तो फिर सुन लो। कहिए। तेरी कोख पे, तेरी कोख पे पैदा होगा, तुमको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख पे पैदा होगा, तुमको बेटा प्यारा दिया। हर को हर नाम बेसले हो। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज, वचन हारो ना मेरा पति जिवाओ रे। तुमने ठीक सवाल किया, ठीक मुझे जाने से रोका कि वाकई में तीसरा वरदान तुम्हारा पूरा नहीं कर सका। तीसरा वरदान तो पूरा जब होगा जब तुम्हारा पति से दुनिया में जिंदा हो, और तुम्हारा पति जिंदा जब होगा कि जब इनकी आयु बची हो, इनकी आयु पूरी हो गई, ना ये जिंदे हो सकते, ना तीसरा वरदान तुम्हारा पूरा हो सकता। मैं तुम्हारे दुख में विलीन होकर के कुछ सोच और विचार नहीं कर पाया, मगर सोच समझे तीसरा वरदान दे गया, मुझे क्षमा कर दो। नहीं महाराज, आपको मेरे तीनों वचन पूरे करने होंगे। तीनों वचन क्यों कर पूरे करूं? दो पे सबर कर ले, तीसरे के लिए क्षमा कर दे। अगर आप मेरे तीनों वचन पूरे नहीं कर सकती महाराज, तो आपको मेरे पति को जीवित करना होगा। मेरे पति को जीवित क्यों कर करूं? इनकी आयु पूरी हो गई। तो अगर आप वचन भी पूरे नहीं कर सकते और मेरे पति को भी जीवित नहीं कर सकते, हाँ, तो आप वचन हार हो जाइए महाराज। वचन हार हो गया तो दुनिया के लोग धर्मराज पर यकीन विश्वास करना बंद कर देंगे। तो कुछ ना कुछ तो अब आपको करना पड़ेगा महाराज। मुझे जो करना है वो करूंगा, लेकिन तुमने धर्म संकट में मुझे डाल दिया, इससे निकलने का रास्ता तुम ही बता दो, कोई तुम्हारे पास जरूर होगा। आप मुझे बेटी कहते हो, हाँ, तो एक बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। बताओ। आप कहते हो कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, हाँ? ये बताइए महाराज कि मेरी आयु अभी कितनी बाकी है? तुम्हारी आयु तो बहुत लंबी।
रही है। तो हे महाराज, मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। क्या? और वो उपाय ये है कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। हाँ। और मेरी आयु अभी बहुत लंबी बाकी है। हाँ। तो एक काम कर दीजिए महाराज, जितनी भी मेरी आयु बची है। हाँ। उस मेरी आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दो महाराज। जब आप मेरे पति को मेरी आधी आयु दे दोगे तो हम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी महाराज। हाँ। हम दोनों के एक संतान भी हो जाएगी, हमारी वंश मेल भी चल जाएगी महाराज। और जब दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी तो एक काम और हो जाएगा महाराज, कि एक दिन जिएंगे भी साथ साथ और एक दिन मरेंगे भी साथ साथ महाराज, एक दिन मरेंगे भी साथ साथ। धन्ना हो बेटी, धन्ना हो, मैं यही करता हूँ, यही करता हूँ। सुनिए महाराज, बात करें।